अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, जिस तरह से पाकिस्तान में अर्थरुल गाज़ी सीरीज़ देखी जा रही है और उसके बाद अर्थरुल ही नहीं बल्कि पूरी कास्ट का पाकिस्तान में आने का वेट किया जा रहा है और खबरें तो यहां तक आ चुकी हैं कि अर्थरुल गाज़ी जो है एंगन अल्तान वो सितम्बर में हो सकता है पाकिस्तान आए, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने 6 मंथ का वीज़ा लगवाया है और उनके आने का मकसद यह है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ब्लू मस्जिद की तरह की एक मस्जिद की संग बुनियाद रखने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, जहां पर लोग एंगन अल्तान का पाकिस्तान आने के लिए शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पर अर्थरुल में दुकान का रोल प्ले करने वाले कैबिट पाकिस्तानियों से काफ़ी मायूस हुए हैं। कैबिट कैप्टन ने अपनी हालिया पोस्ट में लिखा, मैं पाकिस्तान आवाम से माज़रा चाहता हूँ, तुर्की में एक दोस्त के ज़रिए मसवर अब्बास नामी वकील से मुलाकात की, हमने बात की और कारोबारी मंसूबे पर इत्तेफाक़ किया। बाद हज़ा ये मालूम हुआ कि वो कारोबारी मंसूबा हकीकत पर मुबनी नहीं और मसूर अब्बास ने झूठ से काम लिया। पाकिस्तानी आवाम के साथ हमारी मोहब्बत बाखमी है, लेकिन बयान करदा हालात के पेश नज़र मैं अपना दौरा पाकिस्तान नहीं कर सकूँगा। मुझे उम्मीद है कि मैं काबिले इत्माद लोगों से मिलूंगा। उनकी ये पोस्ट उनके फैंस के लिए काफ़ी बुरी साबित हुई। याद रहे, कैबिट कैटन ने भी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी मई में। पाकिस्तान आऊंगा। और उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हमें बचपन से यही सिखाया गया है। और अर्थरुल गाज़ी सीरीज़ के लिए पाकिस्तान से जो रिस्पॉन्स आया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, इसलिए वो जल्द पाकिस्तान आना चाहेंगे। लेकिन अब उनके इस मैसेज से काफ़ी सारे लोग डिसहार्ट हुए हैं। तो व्यूवर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।